नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में हर साल 1 लाख बच्चे गायब होते हैं। इनमें से 45% बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात की जाए तो देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने फरवरी 2013 में एक याचिका की सुनवाई करते हुए लापता बच्चों के मामले में सरकार द्वारा ध्यान देने पर आक्रोश जताते हुए कहा था कि सबसे बड़ी विडंबना है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2011 से 2014 के बीच देश में 3.25 लाख बच्चे गायब हुए। इसका सीधा मतलब है कि औसतन 1 लाख बच्चे हर वर्ष गायब होते हैं। अगर भारत के आधिकारिक आंकड़ों की अन्य देशों से तुलना की जाए तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हर साल केवल 3,000 बच्चे लापता हुए। वहीं जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे चीन में ये संख्या मात्र 10,000 है। इन सभी के बीच सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि आखिर गायब हुए बच्चे जाते कहाँ हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट में लगभग 1.5 लाख बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि इसे बच्चों के बारे में ये माना जा रहा है कि उन्हें मार दिया गया है या फिर भीख मांगने और वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में धकेल दिया गया है। विशेषज्ञों की राय में ग्रामीण और शहरी इलाकों के कई बच्चे शारीरिक शोषण या फिर गरीबी के कारण घर से भाग जाते हैं। घर छोड़ने के बाद इन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती, जिससे कई गिरोह या फिर दलाल प्रलोभन देकर इन्हें फंसा लेते हैं। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 3.5 साल में 50,000 से ज़्यादा बच्चे गायब हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा लड़कियां और 9,000 से ज़्यादा लड़के गायब हुए हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।